सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएच कोलकाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आप फ्यूचर में कोई वीडियोस मिस ना कर पाओ। सो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेजेस के क्या कट ऑफ थे लास्ट ईयर और इस साल क्या होने वाले। सो मैं आपको ये चीज एक पीडीएफ के हेल्प से समझाने वाला हूँ। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है, मुझे ये पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल पे मिला था। सो उसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर आपके जितने भी मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, उसमें वेरियस राउंड्स में उनके क्या क्या कट ऑफ थे फॉर वेरियस कैटेगरीज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो यहाँ मैंने ये पीडीएफ खोल लिया जो आपको लास्ट ईयर स्टेट कोटा जो वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस थे उनमें क्या क्या कट ऑफ हुआ फॉर वेरियस कैटेगरीज और डिफरेंट राउंड में क्या क्या था उसका आपको गाइडेंस दे देगा। सो ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाया है, ये आपको जिसने बनाया है उस इंस्टीट्यूट का नाम है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एडू एम्ब्रोसिया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है आपका वसुंधरा गाज़ियाबाद यूपी में। सो इन्होंने बनाया ये वीडियो। सो इसकी हेल्प से हम देखने वाले हैं कि किसका क्या कट ऑफ था और जिससे आप एक अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हो इस साल के लिए भी, और आप एक आइडिया लग सकता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सो लेट्स सी। तो जैसे आप लोग सबको पता है कि वेस्ट बंगाल का नंबर वन मेडिकल कॉलेज है वो है मेडिकल कॉलेज कोलकाता। उसका उसमें कितने कितने सीट्स है फॉर ईच कैटेगरी, यहाँ पे आपको कैटेगरी दिया हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने कितने सीट्स है वो आपको दिख जाएगा। जैसे यूआर का है मेडिकल कॉलेज में 109 सीट्स टोटल, इस कॉलेज में सीट्स है वो है आपके 250 सीट्स है। उसको इस तरह से इन लोगों ने डिवाइड किया, यूआर का है 109 सीट, ओबीसी ए का 20, ओबीसी ए फिजिकली हैंडीकैप 1, ओबीसी बी 14, ओबीसी बी फिजिकली हैंडीकैप 1, एससी 45, एसटी 12, यूआर फिजिकली हैंडीकैप 6, एससी फिजिकली हैंडीकैप 1, एसटी फिजिकली हैंडीकैप 1। ऐसे ही हर कॉलेज के लिए आपको दिखेगा टोटल सीट्स इसमें 250 है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे राउंड वन के लिए फॉर द फर्स्ट राउंड इसका जो कट ऑफ गया था इस कॉलेज का वो था आपका रैंक एआईआर रैंक 4458 और उसमें आपका जो मार्क्स था वो था 647 फॉर यू आर कैटेगरी। अब दूसरे कैटेगरी देखो, ओ बी सी ए के लिए था 637 मार्क्स, ओ बी सी ए फिजिकल हैंडीकैप कोई उस समय एडमिशन हुआ नहीं, ओ बी सी बी के लिए था 633 मार्क्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक्स आप देख सकते हो यहाँ पे आस पास में उसका रैंक्स भी लिखा हुआ है और उसके मार्क्स आप देख सकते हो। इसी तरह से आपके सारे कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है फॉर राउंड वन। उसी तरह से आप राउंड टू का देख सकते हो, राउंड वन से जनरली ये थोड़ा कम ही होता है, तो 647 था आपका राउंड वन में, तो राउंड टू में आपके ये यू आर के लिए चला गया 644। फिर आपका मॉपअप राउंड में आपका यू आर कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ इस कॉलेज में, इसीलिए वो कट ऑफ सेम का सेम ही रह गया। और आपका फिफ्थ वैकेंसी राउंड जो गया वहाँ पे आपका जनरली कोई सीट्स बचे थे नहीं, तो किसी में कोई खास एडमिशन हुआ नहीं, आपका यहाँ पे दो कैटेगरी में इनमें एडमिशन हुआ था, तो उसका आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है। तो ये है आपके चार राउंड जिसमें आपका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलेज का एनुअल फीस कितना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसकी फीस बहुत ही आपका मिनिमल होता है, तो आपका एनुअल ट्यूशन फीस है ओनली 11,000 रुपीज़, यानी 11,000 रुपीज़ आपकी ईयरली फीस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं बाकी कॉलेजेस का। तो इसी तरह से आपको बाकी कॉलेज का भी दिख जाएगा, जैसे कि ये है आपका यहाँ पे एनआरएस मेडिकल कॉलेज, इसमें भी आपके हैं 250 सीट्स, 250 सीट्स इसमें भी, और इसमें सीट्स का सेग्रीगेशन, हर कॉलेज का सीट का सेग्रीगेशन अपने तरह से होता है, सब अलग तरह से सेग्रीगेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी इस तरह से दिया हुआ है, इतने सीट्स इतने कैटेगरी को, और यहाँ पे ये राउंड वन का कट ऑफ है, ये राउंड टू का है, ये है मॉपअप राउंड का, और ये है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एनुअल फीस, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी कॉलेज का भी दिया हुआ है, नीचे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका दिया हुआ है आईपीजेमियर मेडिकल कॉलेज एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल, तो यहाँ पे इनका भी आपका सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो कैसे कैसे है। इस कॉलेज में आई गेस 200 सीट्स है, ठीक है, इसमें 200 सीट्स है आपके। और यहाँ पे आपको देख लो राउंड वन से लेके आपका बाकी राउंड तक आपके क्या कट ऑफ है, मतलब इस कॉलेज में आपका मतलब एसएसकेएम में आपका कट ऑफ मॉपअप राउंड में काफ़ी कम चला गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 607 फॉर जनरल कैटेगरी, अगर मैं मॉपअप राउंड के लिए वेट किया होता तो मुझे ये कॉलेज मिल जाता शायद। चलो कोई बात नहीं, जैसा होता अच्छे के लिए होता। नीचे देखते हैं हम लोग फॉर आरजीकर मेडिकल कॉलेज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा यहाँ पे साथ साथ में आपका हर कॉलेज का आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी लिखा हुआ है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से, बट अगर कोई देखना चाहे कि कौन सा कॉलेज पहले बना था, कौन सा नया कॉलेज है, कब कब बने, तो आप देख सकते हो। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी अराउंड 250 सीट्स ही हैं। तो फिर आप देख लो यहाँ पे इसका सीट मैट्रिक्स क्या है, और हर राउंड के लिए कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड, फॉर सेकंड राउंड, फॉर मॉपअप राउंड एंड फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पर जितने भी एनए लिखे हुए हैं ना, मतलब नहीं नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब कि उस राउंड में उस कैटेगरी में कोई एडमिशन हुआ नहीं। अब एडमिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जनरली ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको देखने मिलेगा। और क्यों नहीं एडमिशन, क्योंकि पहले के राउंड्स में जनरली सारे सीट्स फिल हो गए थे, तो कुछ खास एडमिशन के लिए सीट्स बचे नहीं थे, इसलिए वहाँ पे कोई एडमिशन हुआ नहीं। जहाँ आपको सीट्स दिख रहे एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे सीट्स थे खाली, इसलिए एडमिशन हो गया था। जितने भी आपको एन ए नॉट एप्लीकेबल दिख रहे वहाँ पे सीट्स नहीं थे, इसलिए कोई एडमिशन नहीं हुआ। सो आई होप दैट्स क्लियर। तो नीचे चलते हैं।
तो आप फीस देख सकते हो इसकी भी, इसकी फीस 9,000 है, यहाँ पे आरजीकर की आईपीजे में 11,000, सब कैसे कम कम ही होते हैं। फिर आप देखो ये है हमारा सीएनएमसी मेडिकल कॉलेज, इसका सीट मैट्रिक्स, राउंड वन के कट ऑफ, राउंड टू का कट ऑफ, फिर आपका है ये मॉप अप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, और इसका एनुअल फीस है 9,000 रुपीज़। ओके, एंड ये आ गया आपका, ये आ गया हमारा मेडिकल कॉलेज जो कि है सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें आपके सीट्स जो है वो है 125। ठीक है, 125 सीट्स है, तो यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इसमें सीट मैट्रिक्स आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा बाकी कॉलेज के मुकाबले, क्योंकि सीट्स कम है तो वो उस हिसाब से डिवाइड किया हुआ। यू आर में 46, EWS 10, OBCA 10, OBCB 7, SC 22, ST 6 एंड यू आर फिजिकली हैंडीकैप 2। तो राउंड वन में इसका कट ऑफ किया था 608 मार्क्स एंड कट ऑफ रैंक वास 15,400 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज की आप देख लेना यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा 609 मार्क्स थे, तो मुझे राउंड वन में ही ये कॉलेज अलॉट हो गया था और मेरा फिर यहीं पे एडमिशन हुआ, यहीं पे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ एज ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो नीचे चलते हम लोग। अब ये तो जो थे आपके टॉप 6 के मेडिकल कॉलेज, ये आपके आते हैं जनरली, आपके 6 कॉलेजेस ये आपके आते हैं कोलकाता में आते हैं। अब बाकी आप नीचे जितने कॉलेजेस देखोगे वो आपके आएंगे कोलकाता के बाहर आएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये सब कॉलेजेस ख़राब या कुछ भी, बस ये है कि ये सब कॉलेजेस थोड़े आपके कोलकाता से दूर पड़ते हैं, कॉलेजेस सारे अच्छे हैं। सो हम लोग नीचे देखते हैं, ये आपका है नेक्स्ट कॉलेज बर्धमान मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आपके सीट्स आई गेस 200 या 250 ऐसे कुछ सीट्स है, तो इसका सीट मैट्रिक्स आप देख लेना। फिर ये आपका राउंड वन कट ऑफ, राउंड टू कट ऑफ, फिर ये आपका मॉपअप कैटेगरी, फिर ये आपका स्टे वैकेंसी राउंड। ओके, अब नीचे चलते हैं, नीचे है आपका मेडिकल कॉलेज एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी। तो ये थोड़ा सेग्रीगेट हो गया दो पेज में, तो इसको आप देख लेना। यहाँ पे आपका इसका सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर राउंड वन के कट ऑफ, राउंड टू मॉपअप एंड स्टे वैकेंसी, और इसका फीस 9,000 रुपीज़। नीचे चलते हैं, नीचे आपका आ गया बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, इसी तरह से हम लोग और नीचे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कॉलेज आपको दिख रहा होगा, ये वाला ESI PGIMSER जोका, ये आपको दिख रहा है कोलकाता में। ये वाला कॉलेज अब भी वैसे कोलकाता में आता है, बट इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी हाई है, आप देख सकते हो 1,00,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो बस इसीलिए ये वाला कॉलेज कोलकाता में होने के बाद भी थोड़े से नीचे आता है, क्योंकि इसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है, इसलिए जनरली स्टूडेंट्स इसे प्रेफर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ख़राब है, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा नीचे आता है इंस्पाइट ऑफ बीइंग इन कोलकाता। इसमें आप देख लो इसका सीट मैट्रिक्स क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सीट इतने कम क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं फॉर द ESIC एम्प्लॉयड पीपल, और उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये रिजर्व होता है। तो जो रिजर्व के अलावा जो सीट्स है ना, वो ये सब सीट्स है, इन सब में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ये सब सीट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बाकी जो सीट्स है वो सब रिजर्व सीट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका कट ऑफ देख लो, ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ, ये सेकंड राउंड, ये मॉपअप राउंड एंड ये स्टे वैकेंसी राउंड। तो हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे आप देखोगे ये है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि दार्जिलिंग में है। बोला जाता है कि इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, मेडिकल कॉलेज कोलकाता से भी ज़्यादा कैंपस एरिया है इसका। ठीक है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मैंने सुना ही है, कभी जाऊँगा तो देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीट मैट्रिक्स आप देख लो, फिर ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है फॉर वेरियस कैटेगरीज, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, और ये इसकी एनुअल फीस। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे है मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, और ये सब इसके सारे बाकी डाटाज जो मैंने आपको बता दी फॉर बाकी कॉलेज जैसे, इसके भी सारे वैसे ही हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, और नीचे आप चलोगे फिर आ गया आपका मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, और उसका सारा डाटा आप देख लेना। फिर हम लोग सॉरी और नीचे चलते हैं, तो डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज, और नीचे चलते हैं मालदा मेडिकल कॉलेज, फिर और नीचे चलते हैं तो रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज, और नीचे चलते हैं तो देवेन माता मेडिकल कॉलेज। ये है आपका देवेन माता मेडिकल कॉलेज, ये आपका पुरुलिया में है, यहाँ पे इन्होंने जगह इसका प्लेस लिखा नहीं है, ये पुरुलिया में बता देता हूँ। और जनरली जो जो भी अदर कॉलेजेस हैं ना कोलकाता के बाहर, उनका जो मेडिकल कॉलेज का नाम है वो उसी जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे आप देखो रायगंज मेडिकल कॉलेज, ये रायगंज में ही है, ऊपर चलो रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज रामपुरहाट में है, मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा में है, डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज डायमंड हार्बर में ही है। तो उस हिसाब से आपको कॉलेज का जो नाम है वो उसके जिस डिस्ट्रिक्ट में वो उसी के नाम पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ये वाला महाराजा जितेंद्र नायर मेडिकल कॉलेज, ये है कूचबिहार में, मुझे 2020 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो यही वाला कॉलेज था। ठीक है, तो इसका आप देख लेना। ये सब जो नीचे के जो कॉलेजेस हैं ना, जो नए नए कॉलेजेस, जो नई कॉलेजेस, जैसे कि आप देखो ये 2019 में बना है, फिर यहाँ पे ये 2020, और ऊपर चलो तो 2019, फिर ये 2019, ये सब जो भी लगभग 2019 या उसके बाद बने ना, इन सब में आपको जो सीट्स है वो 100 सीट्स है। ठीक है, और जो भी पुराने ऊपर के जो कॉलेजेस है और जो कोलकाता के बाहर है, उन सब में जनरली आपको 200 या 250 सीट्स है। हमारे सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में तो 125 सीट्स ही हैं।
ठीक है। तो ये जो 19 कॉलेजेस आपने देखे, ये तो है आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जितने भी है वेस्ट बंगाल में। अब बाकी कॉलेजेस हम लोग देखेंगे नीचे जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनके क्या कट ऑफ थे लास्ट ईयर वो हम लोग देखते हैं। एक बार उससे पहले आप देख लो कि लास्ट ईयर आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या था फॉर वेरियस कैटेगरीज। ओवरऑल आपके लास्ट राउंड में ये सब जो आपके कट ऑफ दिए हुए, ये आपके कट ऑफ जो दिए हैं वो हैं आपके लास्ट राउंड, एकदम लास्ट राउंड, यानी कि स्ट्री वैकेंसी राउंड ओवर होने के बाद आपका ये सब कट ऑफ था फॉर वेरियस मेडिकल कॉलेज एंड फॉर द वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, तो देखो आपकी आपका यूआर का जो आपका कट ऑफ था वो था आपका 571 मार्क्स और रैंक आपका था 3323 कॉलेज था, कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आपका था फॉर द ओबीसी कैटेगरी वो था 33027, ओबीसी बी 34822, ये तीनों आपके एडमिशन हुए कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में ही। फिर आपका ईडब्ल्यूएस जो था वो लास्ट रैंक था 33531 बाकोड़ा मेडिकल कॉलेज। फिर था एससी कैटेगरी वो भी आपका कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में 112271 रैंक। फिर था आपका एसटी कैटेगरी जो कि था रायगंज मेडिकल कॉलेज में और जिसका कट ऑफ था मतलब लास्ट रैंक जिसमें एडमिशन हुआ एसटी कैटेगरी ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर था 422262 258 मार्क्स, यानी कि इस मार्क्स के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था लास्ट ईयर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वेस्ट बंगाल के। ओके, तो ये तो बात हुआ अभी तक आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वेस्ट बंगाल के। अब हम नीचे देखते हैं कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं उनमें क्या था लास्ट ईयर कट ऑफ का सिनेरियो। ठीक है, तो देखिए आप जैसे प्राइवेट MBBS लिखा हुआ है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहला आपका मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि जादवपुर में। इन सब मेडिकल कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसे आपने देखा कि ऊपर में सबकी फीस है 9000 11000, मैक्स टू मैक्स था ESI जोका का जिसका फीस था 1 लाख रुपीज़। ठीक है, वो था ईयरली फीस। अब आप यहाँ पे देखो फीस, और यहाँ पे भी आपका जैसे जो भी कैटेगरीज है ना यहाँ पे आपका एक मैनेजमेंट कोटा बोल के होता है, MGT जो लिखा हुआ है वो है मैनेजमेंट कोटा, और आपका ये बाकी जो है ये URSC ST ये आपका स्टेट कोटा ही बोला जाता है इसे। ठीक है, तो आप देखो क्या होता है यहाँ पे दो तरह की फीस चलती है, आपका स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स की अलग फीस होती है, मैनेजमेंट कोटा की अलग होती है, और यहाँ पे आपको NRI कोटा दिख रहा होगा जो कि मैंने गलती से उसमें कर दिया। तो ये रहा NRI कोटा, ये NRI कोटा, इनकी भी फीस अलग होती है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जनरली तीन टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक स्टेट कोटा वाले बच्चे पढ़ते हैं और एक आपके मैनेजमेंट कोटा के पढ़ते हैं और एक NRI, और तीनों की फीस अलग अलग होती है। स्टेट कोटा की सबसे कम होती है, मैनेजमेंट की उससे ज़्यादा, NRI की उससे भी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो देखो आप इन सब के जो भी कट ऑफ थे वो कैसे कैसे थे। अब जैसे कि ये जो यूआर कैटेगरी है ये आपका स्टेट कोटा वाला ही हो गया, पर इसकी फीस ज़्यादा हुई कंपेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। तो इसकी जो कट ऑफ था लास्ट ईयर, तो इसका कट ऑफ था लास्ट ईयर 572 मार्क्स फॉर द फर्स्ट राउंड, और यही चीज़ अगर आप मैनेजमेंट कोटा का देखो तो इसका था 546, और अगर आप NRI देखो तो कितना कम है, 164 मार्क्स ओनली। अब इसी तरह से आप देखो यहाँ पे SC और ST का भी है 466 मार्क्स एंड 257 मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे इन सब ये जो बच्चे हैं इनको कितने फीस देनी पड़ती है और इनको कितना फीस देना पड़ता है। तो ये तो बच्चे हैं आपके स्टेट कोटा वाले, ये वाले बच्चे हैं आपके स्टेट कोटा वाले, तो इनकी जो फीस है ये है, ये इनकी फीस है 1.5 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर। एक साल में दो सेमेस्टर होता है जनरली, सेकंड ईयर में तीन सेमेस्टर होता है, तो आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर ये 1.5 लाख है, यानी कि एक साल में आपके होगा ये 3 लाख रुपये, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको आपको देने पड़ेंगे वन ईयर के 3 लाख रुपीज़। और ये है आपका मैनेजमेंट कोटा जिसका फीस है 6 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर, यानी कि 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वाले ये लोग इनकी फीस पड़ जाती है 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। वहीं आपके इन कॉलेज में जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी फीस होती है 3 लाख। यहाँ पे इन्होंने NRI कोटा का फीस लिखा नहीं है, जनरली NRI कोटा का जो फीस होता है वो मैनेजमेंट कोटा से ज़्यादा होता है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है आप 12 लाख मान रहे हो तो NRI का मान लो कि ईयरली 20 लाख होगा। ठीक है, तो हम नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस के और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में। पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थोड़े से बेटर होते हैं। तो नीचे देखते हैं हम लोग, इसी तरह से बाकी कॉलेजेस में भी यही सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट कोटा की अलग फीस होती है, उनका कट ऑफ भी अलग होता है, और आपका स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के उनके अलग कट ऑफ होते हैं, उनका फीस भी अलग होता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज IQCT जितना मुझे पता है शायद दुर्गापुर में ये मेडिकल कॉलेज। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो तीन बच्चे हैं, तीन कैटेगरी है, ये है स्टेट कोटा वाले, और ऊपर का ये जो एक है ये है आपका मैनेजमेंट कोटा, और इनकी फीस आप देख लो, स्टेट कोटा का है 5.48 लाख एनुअली, मैनेजमेंट कोटा है 21.88 लाख एनुअली। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो तो आपको पूरे MBBS कोर्स की फीस मिल जाएगी, यानी स्टेट कोटा की जो फीस होगी वो अराउंड 21-22 लाख आएगी, और मैनेजमेंट कोटा की जो फीस आएगी वो अराउंड 1.1 करोड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो 563 449 188, ये राउंड वन का है, ये राउंड टू, ये मॉपअप एंड ये स्ट्री वैकेंसी राउंड। ठीक है, बाकी कॉलेज के देख लेते हैं, बाकी आपका फिर नेक्स्ट कॉलेज गौरीदेवी इंस्टीट्यूट, इसके भी आप देख लो मैनेजमेंट कोटा MGT मैनेजमेंट कोटा, बाकी जितने स्टेट कोटा इनकी फीस देख लो अलग अलग है, 4.56 फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर 4.56 फॉर स्टेट कोटा एंड फॉर मैनेजमेंट 18 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका आई केयर इंस्टीट्यूट। ओके, आई केयर का भी आप देख लो मैनेजमेंट कोटा का अलग, फिर स्टेट कोटा का अलग, फीस देख लेना।
और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सब देख लेना आप। ये सब कट ऑफ क्या है, किसके क्या कट ऑफ थे, कितने मार्क्स थे, कितने रैंक थे, हर राउंड के लिए, हर कैटेगरी के लिए सब अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये कॉलेज से चॉइस फिल करना। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे आपका जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज, देख लेना इसकी भी फीस लगभग फीस एक जैसी है। उसके बाद आपका है श्री रामकृष्ण रेणु मेडिकल साइंस एंड सेनाका हॉस्पिटल्स, फिर शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो किसी किसी कॉलेज में NRI है, किसी किसी में नहीं है। यहाँ पे NRI आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और ऊपर किसी किसी में आपको NRI कोटा नहीं दिख रहा था। NRI कोटा वाला जनरली कॉलेज आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता। तो इस हिसाब से लोग एक ही कॉलेज में तीन टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्टेट कोटा वाले, फिर मैनेजमेंट कोटा के, फिर NRI कोटा वाले। ठीक है, तो नीचे देखते हैं, देख लेना यहाँ पे इनकी भी फीस। हाँ, तो इतने आई गेस प्राइवेट कॉलेजेस 7 हैं। तो यहाँ पे आप ये प्राइवेट कॉलेजेस का भी ओवर कट ओवरऑल कोटा देख लेना क्या क्या था। फॉर मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, UR कोटा, ST एंड SC एंड स्टेट, SC एंड ST, ये तो है आपका स्टेट कोटा, और वो मैनेजमेंट कोटा हो गया ऊपर, फिर NRI कोटा हो गया। तो अब देख लो हर कॉलेजेस का अलग अलग कैटेगरीज के क्या था। ठीक है, जब आप वेस्ट बंगाल की जब काउंसलिंग करोगे स्टेट की, तो उसमें ऊपर में आपको ये सब UR नहीं लिखा है, अगर उसमें एब्रीविएशन ये लोग ऐसे ऐसे यूज़ करते, तो आप इनका मतलब जान लेना, तो ही उसके बाद फिल करना। देख लेना UR वाले OPNO करके लिखते, EWS को EWNO करके लिखते, तो सब देख लो आप। और नीचे देख लो कुछ एब्रीविएशन और हैं, ये सब सब देख लेना। ठीक है, और नीचे नहीं है। वैसे यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि इस साल गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है कि इस साल वेस्ट बंगाल में 6 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं, 6 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं, जिनमें हर एक में 100-100 सीट्स होने वाले, यानी कि टोटल शायद 600 न्यू सीट्स बढ़ सकते हैं सर। 2022 से इनका सेशन स्टार्ट होगा शायद, और 6 नए कॉलेजेस आने वाले हैं। जो जो कॉलेजेस है आपके कॉलेजेस ये हैं, एक आरामबाग, तामलुक, बारासात, झारग्राम, उलूबेरिया और जलपाईगुड़ी में। ये 6 नए मेडिकल कॉलेजेस इस साल आने के बाद है कि इस साल इनमें भी एडमिशन होगा। अगर ये होता है तो आपके 600 गवर्नमेंट सीट्स और ऐड हो जाएंगे, तो आपका ये आपको जो ये कट ऑफ दिख रहा है लास्ट ईयर का, ये इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा कम होता दिख सकता है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए। सो लेट्स होप कि फॉर द बेस्ट कि इस साल नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाए, तो कट ऑफ कम जा सकता है थोड़ा। अगर नहीं होता ऐसा कुछ, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये कट ऑफ जो आपको दिख रहा है वो इस साल कुछ ऊपर जाएगा शायद। ओके, ऊपर कितना जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर 570 में था, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 2-3 नंबर्स ऊपर जाएगा मैक्स टू मैक्स। मुझे लगता है ये 571 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, 571 जो दिख रहा है ये जा सकता है 575 तक जा सकता है शायद। अगर कॉलेजेस ऐड नहीं होते तो ये जाएगा, अगर ऐड नहीं होते तो इतना जाएगा। बट अगर मेडिकल कॉलेजेस, ये 6 नए जो मेडिकल कॉलेज अब मैंने कहा, अगर ये ऐड होते हैं तो ये कम होकर 571 जो है, 571 जो है ये आपका 560 तक भी हो सकता है। सो डेट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट। लेट्स होप कि मेडिकल कॉलेज ऐड हो, कट ऑफ कुछ कम हो जाए, तो देखते हैं क्या होगा। सो डेट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि लास्ट वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेजेस थे उनका स्टेट कोटा काउंसलिंग में उनका क्या क्या कट ऑफ था फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और वेरियस राउंड्स। इससे आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि जनरली जो आपका कट ऑफ लास्ट ईयर था, इस साल भी वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग एक अपना एक मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकते हो वेरियस कॉलेजेस की, कौन से कॉलेज आपको ऊपर रखने, कौन से आपको नीचे रखने। और वैसे तो इस साल कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड हो रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख के उनको उस तरह से अरेंज कर देना। सो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको प्रेस कर देना, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियोस चैनल की तरफ से मिस ना कर पाओ। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप उसमें बता भी सकते हो कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। तो यार तब तक लिए कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।